नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर, अगस्त में बढ़कर आएगी 8,000 रुपये की सैलरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि अगस्त में 8,000 रुपये की सैलरी में कैसे बढ़ोतरी होगी, कौन कौन से भत्ते बढ़ेंगे और कर्मचारियों को कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लंबे समय बाद केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने वाली खबर आ रही है। महंगाई भत्ता, HRA, TA और प्रमोशन मिलने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा मिलने जा रहा है। ऐसा होता तो साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बम्बर इजाफा हो जाएगा। 8,000 रुपये बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी। सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस के सूत्रों के अनुसार केंद्र और राज्य कर्मचारी के फिटमेंट फैक्टर में इजाफा किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केंद्र सरकार कर्मियों की बेसिक सैलरी में 8,000 रुपये तक का बदलाव आने की उम्मीद है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.57 गुना से 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। अब सरकार की तरफ से इस मांग पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में जुलाई के बाद फैसला होने की उम्मीद है। ऐसा हुआ तो कर्मचारियों के लिए अगस्त में डबल सौगात लेकर आएगा। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर पर फैसला होता है तो केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी सीधे तौर पर बढ़ेगी। अभी केंद्रीय कर्मचारी को 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी मिल रही है। इसके बढ़कर 3.68 होने पर कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी में 8,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। मतलब 18,000 वाली न्यूनतम सैलरी बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। यह भी उम्मीद की जा रही है कि न्यूनतम सैलरी को सीधे 3.68 गुना न बढ़ाकर 3 किया जा सकता है। साथ में वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर के 3 गुना होने पर बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगी, यानी इस स्थिति में 3,000 रुपये में बदलाव आएगा। दोस्तों, कर्मचारी यूनियन को उम्मीद है कि सरकार कर्मचारी की मांग पर विचार कर सकती है। कर्मचारी यूनियन की पहले भी कैबिनेट सचिव से मुलाकात हो चुकी है। इस समय कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इसके बाद कोई विचार नहीं हुआ। कैबिनेट सचिव के साथ कर्मचारी यूनियन की मीटिंग जुलाई के अंत में हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।